दिल्ली में एक कोचिंग हादसे पर चुप्पी की वजह से सवालों में घिरे विकास दिव्य कीर्ति ने पीड़ित स्टूडेंट की मदद के लिए दो बड़े ऐलान किए हैं। प्रतिक्रिया में देरी के लिए माफी मांग चुके विकास दिव्य कीर्ति ने एक तरफ जहां हादसे में जान गंवाने वाले स्टूडेंट्स के परिवारों की आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इस कोचिंग के अन्य स्टूडेंट्स को मुफ्त क्लास देने का भी घोषणा की गई है। विकास दिव्य कीर्ति के संस्थान दृष्टि आईएएस के आधिकारिक एक्स हैंडल के शुक्रवार में बयान जारी किया गया। इसमें विकास दिव्य कीर्ति की ओर से पीड़ित परिवारों को और हादसे वाले कोचिंग संस्थान के स्टूडेंट्स की ओर मदद के हाथ बढ़ाया है। दिव्य कीर्ति ने पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए कोई भी राशि बच्चों को दुख कम नहीं कर सकती, लेकिन उनकी पीड़ा न मिटने के बाद भी उनकी सहायता हम करने चाहेंगे, ये लिखकर करी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता इन परिवारों की होगी तो वो भी हम पूरी करेंगे। पिछले कुछ दिनों में ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई दो दुर्घटनाओं में 4 होनहार विद्यार्थियों का असमय निधन हो गया। एक विद्यार्थी नीलेश राय का निधन जलमग्न सड़क पर करंट लगने से हुआ, जबकि 3 विद्यार्थी श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन डालिव ने एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में हुए आकस्मिक जल भराव के शिकार बन गए। ये समय निश्चित तौर पर 4 बच्चों के परिवारों के लिए अत्यंत कठिन है और इसका अपार दुख हमें भी है। हम जानते हैं कि कोई भी राशि बच्चों के न रहने से पीड़ा को कम नहीं कर सकती, फिर भी इस दुख की घड़ी में अपनी साझेदारी व्यक्त करने के लिए एक विनम्र प्रयास के रूप में दृष्टि आईएएस ने चारों परिवारों को 10-10 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यदि इस शोक के समय में इसके बाद हम किसी और प्रकार से शोकाकुल परिवारों की सहायता कर सकें तो कृतज्ञता महसूस होगी। इसके अतिरिक्त राव आईएएस के सभी वर्तमान विद्यार्थियों को मदद करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। हम सामान्य अध्ययन, टेस्ट सीरीज और वैकल्पिक क विषयों पर तैयारी के लिए उन्हें निःशुल्क शैक्षिक सहायता करेंगे और कक्षाएं उपलब्ध कराएंगे। जो विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ लेना चाहें वो सोमवार को 5 अगस्त 2024 से दृष्टि आईएएस के करोलबाग स्थित कार्यालय में मौजूद सहायता डेस्क पर संपर्क करें। इसी लेटर के साथ विकास दिव्य कीर्ति ने अपना लेटर खत्म किया और बताया कि मैं भी उन बच्चों की जान जाने से बहुत दुखी हूं और सभी की मदद करने के लिए तत्पर रहूंगा। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़वेल इंडिया।